फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से प्लांट चाइनीज़ वोयलेट के बारे में बात करेंगे, जिसे क्रीपिंग फॉक्स ग्लेव भी कहते हैं। समर का बेस्ट पेरिनियल प्लांट है और सो ब्यूटीफुल प्लांट है। इसकी पत्तियाँ वेरिएटेड होती है तो एकदम सुंदर लगती है और एक अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। ज़मीन में या कैसी मिट्टी में लग जाता है, पर इसको गमले में लगा रहे हैं तो वेल्डिंग पोटिंग सोयल तैयार करनी पड़ेगी। वेल्डिंग पोटिंग सोयल के लिए 1/3 गार्डन की टॉप सोयल, 1/3 सैंड, 1/3 कंपोस्ट ले सकते हैं। 1/3 कंपोस्ट और 1 मुट्ठी नीम की खली और 1 चम्मच फंजीसाइड, साफ, वेवस्टीन, मेनकोजेब, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, जो भी आपके पास फंजीसाइड हो वो ले सकते हैं 1 चम्मच, और इनको मिक्स करके एक वेल्डिंग पोटिंग सोयल बना लेंगे। वेल्डिंग पोटिंग सोयल के लिए कि इतनी पोटिंग सोयल इतनी वेल्डन होनी चाहिए कि प्लांट को जितना पानी चाहिए प्लांट ले ले और बाकी पानी, एक्सेस पानी ड्रेन आउट हो जाए। प्रोपगेशन इस प्लांट की कटिंग के थ्रू बहुत इजीली लग जाता है। और सनलाइट इस प्लांट को कैसी चाहिए, सनलाइट इस प्लांट को 2 से 4 घंटे की सनलाइट में भी अच्छा ग्रो करता है और पार्शियल सनलाइट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। वाटरिंग कैसे करें, वाटरिंग इस प्लांट की टॉप सोयल सूखने पर ही पानी दें। जैसे मेरी इस प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट है तो इसे कल या परसों पानी देने की ज़रूरत है, और पानी इसमें मॉडरेट ही दें, ऊपर की टॉप सोयल सूखने पर ही पानी दें, अन्यथा पानी नहीं दें। इसमें 2 तरह की वेरायटी आती है, एक तो ये वेरीगेटेड वेरायटी है, एक ग्रीन वेरायटी है। चाइनीज़ वोयलेट एकदम विग्रसली ग्रो करता है और एक फास्टली ग्रो करता है। चाइनीज़ वोयलेट प्लांट समर्स का पेरिनियल प्लांट है, विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है। चाइनीज़ वोयलेट को फरवरी से सितंबर में अच्छी तरीके से 100 से 200 ग्राम खाद दें अच्छी तरीके से, और जब इसका ग्रोइंग सीजन, समर्स का ग्रोइंग सीजन है, समर्स में इसे लिक्विड मैन्योर भी दे सकते हैं। लिक्विड मैन्योर में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट रात भर पानी में भिगो दें और उसके साथ नीम खली भी भिगो दें और वो पानी इस प्लांट को दे दें, अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हो तो। अगर आप केमिकल के थ्रू जाना चाहते हो तो 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच NPK डिजोल करके और 1 लीटर पानी में डिजोल कर ले और वो पानी इसको दे दें। वो पानी, सारा पानी इस प्लांट को हम नहीं दें, और जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र दो तो मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी रूट्स बर्न हो जाएगी। चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जाता है। हैंगिंग बास्केट में ये लटकता हुआ बहुत सुंदर लगता है, और चाइनीज़ वॉयलेट ग्राउंड कवर के लिए, हेज के लिए बहुत सुंदर प्लांट है। चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है और इसे इजीली ग्रो किया जाता है। चाइनीज़ वॉयलेट को एक कंटेनर गार्डन में भी यूज़ लिया जाता है, जब फिलर के रूप में कंटेनर गार्डन में ऊपर बड़ा प्लांट नीचे फिलर के रूप में इस प्लांट को यूज़ लिया जाता है। चाइनीज़ वॉयलेट एक मॉर्निंग ग्लोरी की ही एक वेराइटी है। चाइनीज़ वॉयलेट में एक पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, पर इसके फ्लावर्स की अपनी ब्यूटी नहीं होती, इसे लीफ की ब्यूटी के कारण ही लगाया जाता है, और इसकी अनवांटेड ग्रोथ होती है और नेग्लेक्टेड, जितना आप नेग्लेक्टेड रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट इजीएस्ट ग्रो प्लांट है और वेरीगेटेड पत्तियाँ होती है इसकी। चाइनीज़ वॉयलेट के फ्लावर्स बार बार आते रहते हैं। फरवरी मार्च में इसे कटिंग कर दें, अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे तो एक कटिंग करने से 2 ब्रांचेज आएंगे। प्रूनिंग कर दें, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो और आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो। फंगस होने पे इस प्लांट में क्या करें, फंगस होने पे 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड डिश वॉश, वार्म वाटर में थोड़ा सा गुनगुना पानी में डिजोल कर लें, क्योंकि नीम ऑयल डिजोल नहीं होता, डिजोल करके और वो पानी इस प्लांट को दे दें अगर फंगस है तो। अगर फंगस नहीं है तो 1 से 2 दिन में, फंगस है तो 1 से 2 दिन में दें, अगर नहीं है तो प्रिकॉशनरी आप 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।